ये देखो हर चढ़ाई पे आपको मिरर दिखेगा जिससे आपको डर जरूर लगेगा, और हर जगह कोई ना कोई जो पुराना कहानी है उसका मूर्ति वगैरह भी बना हुआ है। तो यहाँ सीए का मुख है और इधर है काली का, और यहीं से एंट्री होता है। चल मिरर वाले मंदिर में, मतलब मिरर वाले रूम्स में। देखो इधर भी रास्ता है, इधर भी रास्ता है, किधर से जाओगे कोई पता नहीं चल पाता आप लोग को। इधर से आप देख सकते हो पूरा खैरा गांव आप लोग को दिख रहा है, मस्त हरा भरा अभी बरसात के मौसम में। उधर तालाब भी है और नॉर्मल गांव वाले उधर आप देख सकते हो ग्रामीण लोग। आज 15 अगस्त के दिन दोस्तों माहौल ही कुछ ऐसा है कि काफ़ी सारे यहां पर जो है आ गए हैं लोग। चलो अब यहां से उतरते हैं नीचे और देखते हैं। जय जोहार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं किशन और आप देख रहे हो सीजी टूरिज्म विद किशन। दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर एक नया वीडियो लेकर आ गया हूं। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको फिर से छत्तीसगढ़ के एक अनोखे गांव के एक अनोखे मंदिर पर लेकर जाने वाला हूं। दोस्तों ये मंदिर काफी खास है, मंदिर काफी प्राचीन तो नहीं है लेकिन मंदिर के अंदर जो है वो काफी अनोखा है। तो दोस्तों आज मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ खैरा गांव, जो कि बलौदाबाजार जिले में आता है, भाटापार बलौदाबाजार जिले में। और ये एक ऐसा गाँव है जहाँ एक खास शिव मंदिर है, जहाँ भूल भुलैया स्थित है। एक ऐसी अनोखी भूल भुलैया जो आपको अंदर तो आप चले जाओगे लेकिन उससे बाहर नहीं निकल पाओगे। वैसे भूल भुलैया मंदिर के नाम से भी काफ़ी प्रसिद्ध है। कहानी के रूप में बोले तो ये शिव मंदिर इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि यहीं से शिव जी की बारात गई थी शक्ति के लिए, ऐसी भी मान्यताएं हैं। अब कहानी के बारे में क्या है वो तो उस जगह पर जाकर ही जानेंगे, मंदिर में क्या है कहानी, किस्सा, रहस्य। और जहाँ का भूल भुलैया है वो भी आपको दिखाऊंगा, बहुत ही अनोखा भूल भुलैया है। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन दबाना मत भूलना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना क्योंकि मैं ऐसे वीडियो आप लोग के लिए लेकर आते रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बलौदाबाजार भाटापारा जिले का एक अनोखा शिव मंदिर लेकर जाने वाला हूं, जिसे भूल भुलैया शिव मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर काफ़ी अनोखा है दोस्तों, इसके बावजूद भी इस मंदिर के बारे में काफ़ी कम लोग का पता है। यह बिलासपुर और बलौदाबाजार के बीच में खैरा नामक एक छोटे से गाँव में स्थित है। इस खैरा गाँव की दूरी दोस्तों बलौदाबाजार से 22, बिलासपुर से 43 और रायपुर से 108 किलोमीटर है। आप यहाँ बस, बाइक, कार किसी भी साधन द्वारा आ सकते हैं। तो दोस्तों पहुंच गया हूं फिर मैं खैरा गांव में, और आप लोग देख सकते हो पूरा मंदिर में आज काफ़ी भीड़ है, सोमवार नहीं है फिर भी। और इधर है जो मंदिर और ये उसका गार्डन है इस साइड पे, और इधी में जाना है। काफ़ी अंदर है भूल भुलैया है जो देखने लायक है। आज काफ़ी भीड़ होने के कारण शिव जी का यह मंदिर दोस्तों अपने भूल भुलैया वाले जो आकृति है उसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ स्वर्ग नरक की तरह जो है भूल भुलैया बनी हुई है, जहाँ अलग अलग देवताओं और अलग अलग जो पौराणिक कहानियाँ हैं उनका डिपिक्शन यहाँ इस मंदिर में किया गया है। वैसे तो दोस्तों यह मंदिर का निर्माण 2007-08 में लगभग करवाया गया था, और उसके बाद से यह एक काफ़ी चर्चित मंदिर बना हुआ है जो कि अपनी भूल भुलैया के कारण काफ़ी प्रसिद्ध है। बिलासपुर या फिर बलौदाबाजार के पास यह एक बहुत ही खूबसूरत पर्यटन स्थल है। तो यहाँ सीए का मुख है और इधर है काली का, और यहीं से एंट्री होता है। चलिए एंट्री करते हैं। एग्जिट वैसे यहाँ से दिया हुआ है लेकिन हम लोग को इधर से जाके उस वाले एग्जिट से निकलना है, मुश्किल होता है दोस्तों। वैसे तो एक ही बार मैं आया हूँ लेकिन काफ़ी मुश्किल था यहाँ से निकलना, तो नहीं निकल पाया था। देखो कैसे खतरनाक है। जब यहाँ अंधेरा होता है तब और ज़्यादा मुश्किल होता है, अभी तो सारी तरफ की लाइटें जली हुई हैं तो हो सके हम लोग आराम से निकल जाए। बस ये सामने भाई लोग जा रहे हैं, ये पहले भी आ चुके हैं। सेवार ये बिलासपुर वाला सेवार, बिलासपुर सेवार इससे कब कब आए हैं यहाँ तक? भूपा किधर है यहाँ?
आतरस कैसे लगते थे यहाँ निकल गए हैं यहाँ के भूल भूलैया से। चलो तुम्हारे पीछे कुछ हम जाऊँ, मैं पहली बार आ रहे थे नहीं निकल पाए रहे, वापस निकल गए थे ना, बहुत टाइम लगा था, समझ नहीं आते कहाँ साइड से जाना है करके। ये देखो हर चढ़ाई पे आपको मिरर दिखेगा जिससे आपको डर जरूर लगेगा, और हर जगह कोई ना कोई जो पुराना कहानी है उसका मूर्ति वगैरह भी बना हुआ। अब ये आप लोग बताना कौन से कहानी से है, मेरे को मालूम नहीं पड़ रहा है। अभी आ गए हम लोग बहुत सारे मिरर वाले मंदिर में, मतलब मिरर वाले रूम्स में। देखो इधर भी रास्ता है, इधर भी रास्ता है, किधर से जाओगे कोई पता नहीं चल पाता आप लोग को। आईटील बाहर निकलते तो यहाँ ईसा मसीह का भी है और यहाँ पास मोहम्मद पैगंबर का भी है, सभी जो धर्म गुरु हैं उनका। अब हम लोग आ गए हैं रूफ पे, और ये है पीछे वाला रास्ता, ये बाहर निकले वाला है ना। और सबसे टॉप पे पहुंच गए हैं, मतलब इतने सारे यहाँ पर छोटे छोटे जो मूर्तियां बनाई हुई हैं, मंदिर बनाए हुए हैं, उससे जो है ना मंदिर बहुत खूबसूरत लग रहा है। खास करके अपनी जो भूल भुलैया है उसके कारण काफी प्रसिद्ध है, और मंदिर काफी प्राचीन तो नहीं है, मंदिर के इतिहास वगैरह के बारे में हम लोग जानेंगे पुजारी जी से। और इधर से आप देख सकते हो पूरा खैरा गांव आप लोग को दिख रहा है, मस्त हरा भरा अभी बरसात के मौसम में। उधर तालाब भी है और नॉर्मल गांव वाले उधर आप देख सकते हो ग्रामीण लोग। आज 15 अगस्त के दिन दोस्तों माहौल ही कुछ ऐसा है कि काफ़ी सारे यहाँ पर जो है आ गए हैं लोग। चलो अब यहाँ से उतरते हैं नीचे और देखते हैं, मेरे हिसाब से आई थिंक वैसे सब लोगों ने बता ही दिया कि यही है जाने का रास्ता है, तो इस पर कोई रहस्य तो बचा नहीं है। दोस्तों अभी हम लोग फिर से आ गए हैं मंदिर में से, कौन सा मंदिर का थे? शिव मंदिर खैरा के, तो भूल भुलैया के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। और यहाँ के जो पुजारी जी है तो नाम का है मोहन यादव, नोहर यादव। तो ये थोड़ा मंदिर के बारे में बताओ, कब के बने हैं मंदिर? ये मंदिर सन 2007-08 के बीच में यहाँ भूमि पूजन हुआ है। अच्छा। हाँ, भूमि पूजन ऐसे किए थे जैसे गांव वाले इकट्ठा हुए, बैठक करके बोले कि यहाँ शिव मंदिर बनाना है। तो शिव मंदिर बनाना है तो उस समय कुछ लोग सहयोग किए थे। अच्छा अच्छा। छोटा सा बनाना था मंदिर, छोटा सा जगह में नींव दिया है। हाँ। जब मंदिर बनना स्टार्ट हुए तो धीरे धीरे गाँव वाले प्रभावित होकर के सभी लोग यहाँ दान किए हैं। अच्छा। तो धीरे धीरे मंदिर भी बढ़े हैं, जैसे दान किया है वैसे मंदिर बढ़ते गए। पहले कुछ लोग थे दान सहयोग किए थे, छोटा सा बना था उस समय, ऐसा करके बड़ा कोई कलाकार नहीं है, इसीलिए छोटा सा जमीन में इतना बड़ा मंदिर बना हुआ है। ये जो भूल भुलैया डाले के एक आखिर दिमाग से ऐसे भैया, यहाँ हम लोग सिर्फ शिव मंदिर बनाए हैं, शिव मंदिर बनाए हैं, जगह छोटा है तो घुमावदार बना है, इधर उधर घूमना है। घूमने वाले बोले हैं कि यहाँ भूल भुलैया जैसा है, घूमने वाले बोले हैं नाम रखा है भूल भुलैया, हम गाँव वाले बोले शिव मंदिर बनाए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ऐसा कोई वो नहीं रही थे कि वैसा बनाना है, लेकिन धीरे धीरे अभी तो आयना वगैरह लगे जैसे भूल भुलैया हमारा था, बहुत सारा कमरा भी बने हुए। पहले से सब कंफर्म नहीं था कि इतना बड़ा मंदिर बन जाएगा, सर छोटा सा शिव मंदिर बनाना है ऐसा करके इसका भूमि पूजन किया है। लेकिन अब भूल भुलैया के कारण ही प्रसिद्ध। खास यहाँ मतलब मेला वेला भी लगते का? खास मेला यहाँ रहता है, नवरात्र में मेला देखने को मिलता है। अच्छा। तो मेला सोमवार रहता है, सावन में। सावन महाशिवरात्रि है, महाशिवरात्रि का मेला जो मस्त रहता है यहाँ। अच्छा अच्छा। नवरात्र में देख लो मेला बढ़िया, मेला होता है यहाँ, बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं यहाँ। अच्छा अच्छा। कहाँ कहाँ से आए हो? यहाँ बिलासपुर, जांजगीर चांपा, कोरबा, बिलहा, दगौरी, इधर रायपुर से पहुँचा है, ऐसे करके बहुत दूर से आते रहते रहते। तो दोस्तों यहाँ पास एक दर्शनीय स्थल भी है, मतलब म्यूजियम टाइप को बोल सकते हो, मतलब झांकी वगैरह बहुत सारा है, ये नया बन रहा है ऐसा करके बोला था पंडित जी ने।
तो यहाँ भी जाएंगे, बहुत ज्यादा भीड़ आज। वैसे तो दोस्तों आप लोगों ने यहाँ कहानी सुनी, लोगों की मान्यता यह भी है कि इसी शिव मंदिर से जो है शिव की बारात गई थी शक्ति के लिए, लेकिन वह बारात पूरी नहीं हो पाई थी, जिसका आधा भाग एक स्थान पर आपको इसी खैरा गांव में देखने को मिलेगा। वैसे दोस्तों यह है बहुत ही खूबसूरत मंदिर, साथ ही यहाँ जो झांकी है वह भी काफ़ी अच्छी है, और हर साल जो है सावन और महाशिवरात्रि में यहाँ लोगों की खासा भीड़ होती है। इसके बावजूद भी इस मंदिर को अभी तक उसकी सही पहचान नहीं मिली है। दोस्तों यहाँ आप ज़रूर जाइएगा, मौका मिले तो, बहुत ही खूबसूरत पर्यटन स्थल है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा।